नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर व्याख्यात्मक परिचर्चा प्रस्तुत की जाती है, जो अवश्य ही आपको विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगी। तो प्रश्न है, शोध परिणाम इंगित करते हैं कि जाप संतुष्टि और निष्पादन का सामान्यतया, यानी कि शोध के परिणाम इंगित करते हैं कि जाप संतुष्टि की बात की जा रही है, जाप सेटिस्फेक्शन और निष्पादन के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, कमजोर नकारात्मक सहसंबंध, यानी कि जो कोरिलेशन है वो निगेटिव एंड निम्न सहसंबंध है। वहीं दूसरा ऑप्शन है, कोई सहसंबंध नहीं है, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। कमजोर सकारात्मक सहसंबंध होता है, शक्तिशाली सकारात्मक सहसंबंध होता है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो जो ऑप्शन सही होता है, क्योंकि जाप संतुष्ट और निष्पादन, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आप देखेंगे कि अगर आप अपने जॉब से संतुष्ट हैं तो अवश्य ही आपका निष्पादन क्या होगा, ऊंचा होगा। यानी कि ये अगर दोनों वेरिएबल्स की बात करें तो जॉब संतुष्ट अगर आपका ऊंचा है तो अवश्य ही आपके निष्पादन में भी उच्चता देखी जाएगी। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इन दोनों में कैसे सहसंबंध है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए, यानी कि शक्तिशाली सकारात्मक सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में बढ़ेंगे। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपसे सही होगा डी। अगले प्रश्न पर बात करें तो व्यक्तित्व विकास में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिक स्थिति नहीं है। व्यक्तित्व विकास की बात की जा रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की जा रही है, और वह कौन सी स्थिति है जो क्रांतिक स्थिति नहीं है। तो ऑप्शन देखें तो आप चार ऑप्शन दिया गया है, पोषण करना, सेक्स प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण और क्रोध प्रशिक्षण। तो व्यक्तित्व निर्माण की बात अगर हम करें तो पोषण करना अवश्य ही यह व्यक्तित्व विकास में योगदान दे सकता है, भाषा प्रशिक्षण अवश्य ही आपके व्यक्तित्व में सुधार लाएगा, क्रोध प्रशिक्षण भी सुधार लाएगा। वहीं अगर आप सेक्स प्रशिक्षण की बात करें तो व्यक्तित्व विकास में किसी की क्रांतिक स्थिति नहीं होगी। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी, सेक्स प्रशिक्षण। आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में विकृति दी हुई है और उसकी व्याख्या सूची सेकंड में दी हुई है। सूची विकृति में क्या है, डिप्रेशन है, सिजोफेनिया, फोबिया और कार्सकॉफ सिंड्रोम। तो आप देखेंगे कि डिप्रेशन को अगर आप व्याख्या से मिलाना चाहें तो आप देखेंगे क्लासिकी अनुबंधन नहीं हो सकता, नकारात्मक गुणारोपण शैली। आप जानते हैं जब भी आप डिप्रेशन में कब जाते हैं, जब आप चीजों को पॉजिटिव तौर पर नहीं लेते हैं, यानी हर चीज को निगेटिव वे में देखते हैं, तो निगेटिविटी आप में हो जाती है, तब आप क्या होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो अवश्य ही आप इसको मिलाएंगे सेकेंड से। वहीं सिजोफेनिया की बात करें तो हमने पिछले व्याख्यान में आपको बताया है कि सिजोफेनिया यानी मनोविदलता तब उत्पन्न होती है जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, यानी कि एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन अधिक जमा हो जाता है, तो वहां पर सिजोफेनिया होता है। तो आप अवश्य ही मिला देंगे डोपामाइन से। वहीं फोबिया की बात करें, जो एक तरह का असंकित भय होता है, जो अगर आप ऑप्शन में देखें तो मदिरा आसक्ति और क्लासिकी अनुबंधन दो मिल रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से फोबिया को क्लासिकी अनुबंधन से मिलाएंगे, क्योंकि जो फोबिया होता है, जो डर होता है, वह एक तरह का अनुबंधन होता है, क्लासिकी अनुबंधन होता है, आप किसी भी निश्चित चीज से डरते हैं। वहीं लास्ट बचता है कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। जाहिर सी बात है आप बहुत ही आसानी से कॉर्सकॉफ सिंड्रोम को किसे मिला देंगे, मदिरा आसक्ति से। फिर आपका इस आधार पर कूट में जो आपका आंसर सही होगा बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिलक्षण संसूचक न्यूरॉन में निहित होता है। अभिलक्षण संसूचक न्यूरॉन यानी कि फीचर डिटेक्टर न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, जटिल कोशिका, सरल कोशिका, ग्लिया कोशिका और अति जटिल कोशिका। तो यहां पर एक ऑप्शन गलत होगा और वह ऑप्शन होगा ग्लिया सेल्स। ग्लिया सेल्स नहीं पाया जाता है, यह
इस आधार पर अगर आप देखें तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जिस ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन आपका सही होगा और वह ऑप्शन है सी। तो आपका आंसर जो होता है वो सी। अगले प्रश्न पर चले तो निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय में एक न्यू फ्राइडियन मनोवैज्ञानिक मानवतावादी अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणात्मक परिपेक्ष का मिश्रण है, यानी कि आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट को चुनना है इन चार ऑप्शंस में से जिसमें न्यू फ्राइडियन के भी विचारधाराएं हों, मानवतावादी की भी विचारधाराएं हों, अस्तित्ववादी और मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा भी हो। तो आप देखें तो व्यक्तित्व विकास, आप देखेंगे कि इस पर सभी लोगों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करें, थियरी ऑफ लव और इनमें से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन है। तो अवश्य ही अगर आप देखें इनके ऑप्शंस पर अगर आप विचार करें तो अवश्य ही अगर आप व्यक्तित्व विकास की बात करेंगे कि सभी विचारधाराओं की, ये सभी जो विचारधारा के मानने वाले सब लोगों ने अलग अलग व्यक्तित्व विकास की अपनी व्यू पॉइंट दिए थे। वहीं पॉजिटिव साइकोलॉजी पर ध्यान दें तो वहां पर भी अलग है, लेकिन अगर हम इसमें एक ऑप्शन देखें प्रेम का सिद्धांत, जिस पर लोगों की विचारों में एक मिश्रण पाया जाएगा और अवश्य ही आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलें तो 46 से 50 तक के क्वेश्चन को इस अनुच्छेद के आधार पर करना है, तो अनुच्छेद को पढ़ने के बाद इन पांचों प्रश्नों का आंसर देना है। व्यक्तित्व और मनोमिति में शोधकर्ता ने मानवीय विशेषताओं की संपूर्ण छानबीन के पश्चात 80 व्यक्तित्व मापनियों, कितनी, 80 व्यक्तित्व मापनियां पाई जो शायद मानवीय व्यक्तित्व का समग्र विवरण प्रदान करेगा। उसने इन मापनियों को काफी बड़े प्रतिदर्श यानी कि लगभग 1000 सैंपल साइज और 80 मापनियों के बीच अंतः सहसंबंध प्राप्त किया। शोधकर्ता इन मापनियों का कारक विश्लेषण फैक्टर एनालिसिस करना चाहता था। 80x80 सहसंबंध मैट्रिक्स के विकिरणी स्थानों में न्यूनिटीज रखते हुए आघूर्णित कारक निकाल लिए गए। घूर्णन के लिए कारकों की संख्या का फैसला करने के लिए विभिन्न मानदंडों का उपयोग करके 15 कारक प्रतिराधित किए, यानी कि कुल 80 कारकों में से कितने, उन्होंने 15 कारक ही प्रतिधारित किए। इन 15 कारकों में कुल प्रसरण कितना था, 70% प्रसरण की व्याख्या इन 15 कारकों ने की। यह 15 कारक उपयुक्त विधि की सहायता से घूर्णित किए गए यानी कि रोटेट किए गए और परिणामित अंतः सहसंबंध मैट्रिक की जांच की गई। कुछ अंतः सहसंबंध कारक काफी उच्च थे, फिर द्वितीय कोटि का कारक विश्लेषण किया गया, उसके फलस्वरूप 5 लगभग लंबकोणीय कारकों की लब्धि हुई, प्राप्ति हुई। तो आइए इसके आधार पर प्रश्न की बात करें तो 80x80 सहसंबंध मैट्रिक का कारक विश्लेषण करते समय निम्नलिखित चार कारक निष्कर्षण विधियों में से किसका उपयुक्त कार्य में विनियोजन किया गया है, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब 80x80 सहसंबंध मैट्रिक्स का प्रयोग किया गया किसमें, कारक विश्लेषण में, तो निम्नलिखित ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसका प्रयोग किया गया, तो न्यूनतम वर्ग विधि का नहीं हो सकता है, कंफर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस विधि का, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और प्रिंसिपल ऑक्सेस विधि का। तो अवश्य ही इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका वह होगा प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड्स, यानी कि जो आपका कारक विश्लेषण की विधि इसमें प्रयोग होगी वो होगी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मेथड्स। आइए अगले प्रश्न पर चलें तो अगला प्रश्न है घूर्णन के लिए कारकों की संख्या का निर्णय करते समय मापदंड निम्नलिखित में से क्या नहीं है। घूर्णन के कारकों की संख्या का निर्णय करते समय मापदंड निम्नलिखित में से क्या नहीं है, कौन सा मापदंड नहीं हो सकता है। तो अगर हम उस पर देखें तो आप देखेंगे कैटल स्क्रीट पॉट, गुटमान रूट, वन मापदंड, कारक हल द्वारा स्पष्ट कुल प्रसरण का प्रतिशत और विल्क्स का मापदंड। तो आप देखेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में से विल्क्स मापदंड सही आंसर होगा क्योंकि यह इसका मापदंड नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर चलें तो निम्नलिखित चार कारक घूर्णन विधियों में से कौन सी विधि या विधियां उपयुक्त बताएं परिणाम प्रदान कर सकती या सकते हैं, यानी कि ये चार कारक विश्लेषण की विधि हैं उसमें से जो ये आपको बताई गई है सिचुएशन उसमें कौन कौन सी विधि लगेगी, कौन कौन सी उपयुक्त होगी। तो आप देखेंगे ये चार ऑप्शंस हैं अब्लिमिन, घूर्णन, बेरीमैक्स, प्रोमैक्स घूर्णन और
क्वालिटी मैक्स घूर्णन। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नहीं एक होगा वो बेरिमैक्स नहीं होगा, और उसके आधार पर आप ध्यान देंगे तो क्वार्टी मैक्स भी इसमें नहीं होगा, और जो ऑप्शन सही होगा वह आपका 1 और 3 यानी कि ऑब्लिमिन घूर्णन और प्रोमैक्स घूर्णन। अगले प्रश्न पर चलें तो कोटि द्वितीय कोटि का कारक विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां आवश्यक हैं। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो यह परिकल्पना की गई कि लंब कोटि या द्वितीय कोटि के कारक कम है। प्रथम कोटि के कारकों को तिरछे घूर्णन करना होगा, प्रथम कोटि के कारक को तिरछे घूर्णन करना होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तिरछे घूर्णन नहीं करना होता है। तो आप देखेंगे कम से कम कुछ अंतःकारक संबंधों को काफी उच्च होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो इस प्रश्न का जो आंसर है अगर कूट के आधार पर मिलाएं तो वो है पहला और तीसरा। तो जहां पे पहला और तीसरा होगा यानी कि आंसर बी। तो अगले प्रश्न और सीरीज के अंतिम प्रश्न पर अगर हम बात करें तो दो कारकों को ऑर्थोगोनल कहा जाता है जब दो कारकों के बीच पृथक्कता का कोण निम्नलिखित होता है। ये तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, ऐसे कारक को कहा जाता है जहां पर क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है। तो अवश्य ही आपका जो आंसर सही होगा वो होगा 90 डिग्री। तो हमें उम्मीद है कि यह व्याख्यात्मक परिचर्चा आपको विभिन्न परीक्षाओं में लाभ पहुंचाएगी। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह व्याख्यात्मक सीरीज कैसी लग रही है और इसे और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।